दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द गोवन होम कुकिंग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटी सी क्विक गोवन ग्रीन चटनी की रेसिपी। ग्रीन चटनी तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, हमेशा ब्रेकफास्ट में रहती है, डोसा के साथ लगती है, इडली के साथ रखती है और बहुत से लोग इसको राइस में भी प्रिफर करते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं गोवन स्टाइल में ग्रीन चटनी हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधा ग्रेटेड फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, 10 लहसुन की कलियां, एक टुकड़ा टैमरिंड का, हाफ टेबल स्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 4 कटी हुई ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर अ बंच ऑफ, एंड मैंने तड़के के लिए लिया है मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और एक कश्मीरी रेड चिली। अभी तड़का ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आप इसको तड़का नहीं चाहते चटनी में तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिनको पसंद है वो ले भी सकते हैं। तड़के में आप हींग भी एड ऑन कर सकते हैं, मुझे उतना हींग पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्विक रेसिपी है, जस्ट आपको सब चीजें मिक्सी में ऐड करनी है और उसको पीस लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें मिक्सी में डालेंगे वो है कोकोनट, इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, देन ग्रीन चिलीज, ये टैमरिंग जो होता है दोस्तों वो आप पहले थोड़ा एक 5 मिनट पहले गर्म पानी में सोक कर लेना और पानी के साथ इसमें ऐड कर लेना, ओके। देन इसमें जाएगा हरा धनिया, ओके। उसमें जाएगा शुगर, शुगर से इसका टेस्ट अच्छा आता है दोस्तों, और इसमें जाएगा नमक, ओके। अभी इसमें हमें पानी बहुत थोड़ा ऐड करना है दोस्तों, प्रेफरेबली आप डायरेक्टली गर्म पानी ले लीजिए, मतलब गर्म ठंडा किया हुआ पानी, और इसको पीस लीजिए मिक्सी में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा चटनी ग्राइंड होके रेडी है। अब इसमें थोड़ा हम तड़का लगाएंगे, तो मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स और इसको ढक लूंगी। तो तड़के के लिए दोस्तों हमने ऑयल लिया है पैन में और उसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं रेड चिली, ओके, और इसमें जाएगा करी पत्ता, थोड़ा ढक लेंगे और अब ये तड़का जाने वाला है हमारी चटनी में। वाओ, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी ग्रीन चटनी कितनी मस्त लग रही है। अभी इसको एंजॉय करते हैं डोसा के साथ। For such amazing Goan recipes, subscribe to Goan Home Cooking and press bell button for more updates and notifications.